अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 22 तारीख है। स्टॉकपोर्ट के उस एरिए से जहां मैं रह रहा था, किसी ने मुझसे राब्ता किया है कि उन्हें एक सेब के ऐसे दरख्त की जरूरत है जिसे वो किसी गमले में लगा सकें। मेरे पास सेब का ये एक पौधा है, M27 रूट स्टॉक है। ये कद में सबसे छोटा रहने वाला पौधा है। इस पे चार पैमंत लगाए गए थे, जिनमें से यहां लगाया गया एक पैबंद वो तो नहीं चल सका, लेकिन तीन पैबंद ये कामयाब है। हालांकि यहां पे पैबंदकारी का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं यहां कुछ मजीद वैरायटी का इजाफा करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं इस पे मजीद पैबंद लगाऊंगा। अगर इस पौधे को किसी भी रोशनी वाली जगह पे रखा जाए जहां दर्जा हरारत 15 डिग्री से ऊपर रहे, तो इस मौसम में भी पैबंद कामयाब होंगे। मैं ऐसा तजर्बा पहले भी किया है। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो अभी मैं इस पे मजीद कुछ पैबंद लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसे 6 या 7 हफ्ते तक अंदर रखा जाए, और जब पैबंद कामयाब हो जाए तो फिर सेब का दरख्त बाहर रखा जा सकता है। सेब के दरख्त मौसम का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। मेरे पास ये सेब की एक वैरायटी है, बेकर्स डिलिशियस। तो ये नहायत ही खूबसूरत वैरायटी है। सेब का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और देखने में वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस वैरायटी का मैं यहां पे पैबंद लगाऊंगा। सबसे पहले यहां पे कटाई और एक कट यहां पे, तो ये अभी दोनों अतराफ से कटाई मैंने की है। और अभी ये लंबा कट अंदर की तरफ रखते हुए इसे मैंने यहां पे लगा दिया है, इस उम्मीद के साथ कि ये पैबंद कामयाब होगा। तो बेकर्स डिलिशियस वैरायटी का एक पैबंद यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। बाद में इसे मैं
सील भी कर दूंगा। अभी इसी पौधे की दूसरी शाख पे मैं एक और वैरायटी का पैमंद लगाऊंगा और ये वैरायटी है रोजेट। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा वैरायटी है। इसके सेब अंदर से बीज तक उनका रंग गहरा सुर्ख होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये वैरायटी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ये साइज में उससे जरा बारीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे वेपेंटन कहते हैं। तो ये रोजेट वैरायटी का दूसरा पैमंद भी यहाँ पे लग गया है। ये साइज में ये दरख्त काफी छोटा रहता है। अगर जमीन में लगा दिया जाए तो कदरे साइज बेहतर होता है, लेकिन बड़े गमले में भी इसे लगाया जा सकता है। जहां तक इन पट्टियों का तल्लक है, तो कामयाबी की सूरत में अगले साल मई या जून में इन पट्टियों को काट देना बेहतर होगा। ये दोनों पैबंद इनकी कामयाबी के लिए इस पौधे का किसी भी ऐसी जगह रहना नहायत जरूरी है जहां पे दर्जा हरारत 15 डिग्री या इससे ऊपर रहे। अभी मैं इस पैमंद को सीलेंट से सील करूंगा। ये सबसे नीचे मैंने एक और पैमंद का इजाफा किया है और ये वैरायटी है रेड लव ईरा।
अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।